शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान ये कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में नीराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जो कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। अतः मलमास में मनाए जाने वाली इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इस परम पुण्यदायिनी एकादशी को कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो महीना अधिक हो जाता है उस पर निर्भर करता है। अतः पद्मिनी एकादशी का उपवास करने हेतु कोई चंद्रमास निर्धारित नहीं होता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या लीप का महीना भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु जी को अति प्रिय है। अतः इस व्रत का विधिपूर्वक पालन करने वाला व्रती जीवन पर्यंत सुख का भोग कर मरणोपरांत विष्णु लोक को जाता है तथा प्रत्येक प्रकार के यज्ञों, व्रतों एवं तपस्या का फल प्राप्त करता है। पद्मिनी अर्थात कमला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पद्म पुराण के उत्तर खंड के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से परम पुण्यकारी पद्मिनी एकादशी के विषय पर पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। पद्मिनी एकादशी की कथा पढ़ने, सुनने अथवा सुनाने मात्र से ही समस्त प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अतः तुम यह कथा ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग में महास्मती नगर में है नामक राजा के वंश में एक पराक्रमी चंद्रवंशी राजा कृतवीर्य हुआ करता था। इस राजा की 1000 परम प्रिय रानियां थी, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी जो कि उनके राज्य के भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कई प्रयत्न किए, किंतु सब असफल रहे। संतानहीन होने के कारण राजा तथा उनकी रानियां प्रत्येक प्रकार के सुख सुविधाओं के पश्चात भी दुखी रहते थे। अतः संतान प्राप्ति की कामना हेतु राजा ने तपस्या करने का निर्णय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इच्छुआकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र जी की पद्मिनी नामक कन्या थी, वह रानी राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्य का भार सौंप कर तथा राजसी वेश का त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया। तपस्या करते हुए राजा की केवल हड्डियां ही शेष रह गई, किंतु राजा की तपस्या सफल न रही तथा उनको पुत्र की प्राप्ति भी नहीं हुई। एक दिन राजा की रानी पद्मिनी की भेंट माता अनसुईया से हो गई।
तब रानी ने देवी अनसुया से उपाय पूछा। तब पतिव्रता रानी कमल नैनी पद्मनी से देवी अनसुया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो कि 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र का आशीर्वाद देंगे। इसके पश्चात माता अनसुया ने रानी को व्रत का विधि विधान भी बताया। तब रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से देवी अनसुया के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण भी करती है। एकादशी व्रत की समाप्ति होने पर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी वहां प्रकट हुए तथा वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो कि सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोक में आदरणीय हो तथा आपके अतिरिक्त किसी से भी पराजित न हो। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्त्रबाहु अर्जुन अथवा सहस्त्रार्जुन के नाम से जाना गया, जो बलवान था तथा उसके समान तीनों लोक में अन्य कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के अलावा उसको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त कार्तवीर्य अर्जुन को सर्वगुण संपन्न तथा अपराजित माना गया है। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने एक बार तो दशानन रावण को भी बंदी बना लिया था। हे कुंती पुत्र, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते सुनते या सुनाते हैं, वे भी यश तथा पुण्य के भागी होकर जीवन पर्यंत सुख का भोग करके मरणोपरांत विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप WhatsApp या Facebook जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।